क्या लगता है कि चुनाव के पहले राम मंदिर निर्माण होना चाहिए? सरकार को अगर अपनी इज्जत बचानी है और सरकार को और मोदी जी को हिंदुओं का ऋण अगर अदा करना है तो उनको तत्काल राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और केंद्र में कानून ला करके मार्ग का मंदिर का प्रारंभ कराना चाहिए। अगर नहीं कराया तो ये बात निश्चित है कि ऋण चुकता करे बिना वो इस देश से प्रधानमंत्री की कुर्सी से चले जाएंगे, और जब ऋण किसी का चुकता नहीं करते तो अगले जन्म में ऋण देना पड़ता है। मैं तो मोदी को यही कहूँगा, इस जन्म में मतदाता का ऋण दे दें। मतदाता ने केवल इसलिए वोट दिया था कि हिंदुओं का मान सम्मान करेंगे, हिंदुओं के मान बिंदुओं का सम्मान करेंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे, गौ हत्या पर देश में पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे, गंगा माता को स्वच्छ और निर्मल करेंगे, कश्मीर को की समस्याओं से 370 धारा से मुक्त करेंगे, और भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या के विस्फोट को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता कानून बनाएंगे जिससे देश को सबलता मिलेगी। यह ऋण है उन पर, इन ऋण इतने ऋणों में से कोई नहीं किया है, ज़्यादा नहीं करें तो दो काम तो कम से कम कर दें ऋण के रूप में, तो हम आगे अपेक्षा कर लें। पहला काम श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण करने का काम, और दूसरा काम देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, यह दो कानून बना करके, अभी उनके पास 7-8 महीने का समय है, तत्काल उनको ये अपना ऋण अदा करना चाहिए। तो अगर भाई ऋण बना के रखना है उनको तो भाई इस बार जन्म में नहीं तो अगली बार उनको ऋण का अदा तो करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, कब होगा, ये तो वो जाने, भगवान जाने।